हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज मैं आपके साथ पिज्ज़ा रिंग की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये देखने में कितना डिफरेंट है और उतना ही खाने में यमी और डिलीशियस है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं आज का पिज्ज़ा रिंग। तो आपको दिख रहा होगा जैसा कि मैंने इसे बना करके, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये देखने में, कितना और ये कितना सॉफ्ट है। बच्चों को तो बहुत ही मजा आ जाता है कुछ ऐसी नई नई चीजें अगर आप उन्हें बना के दो तो वो खुश हो जाते हैं ऐसी नई नई रेसिपीज को देख करके। तो एग्जैक्टली ये पिज्जा जैसा ही होता है, सब कुछ पिज्जा जैसा ही है, बस इसके बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बाउल में 1 टेबल स्पून शुगर ले लिया है। आप कोई सा भी शुगर ले सकते हैं। मिल्क जो है वार्म मिल्क है, उंगली आप डालोगे तो उतना गर्म हो कि आपकी उंगली जो है उस दूध को गर्मी जो है वो सह सके। तो यहाँ पे मैंने 1 कप वार्म मिल्क ऐड किया है। 1 टेबल स्पून अब हम इसमें ड्राई इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर लेंगे। बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं आजकल, बहुत ही जल्दी अवेलेबल मिल जाते हैं। तो पहले हम दूध और शुगर के मिक्सचर को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से स्पून की हेल्प से। आप शुगर इसमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं डालना, आपको नेसेसरी है इसमें शुगर ऐड करना। तो शुगर हमेशा ऐड करें क्योंकि ईस्ट का फूड होता है शुगर। अब हम ईस्ट को बहुत अच्छे से दूध में एक बार मिक्स कर देंगे। बस उसे एक दो बार स्टर करेंगे, वो घुलता नहीं है। और हम उसे 10 मिनट्स के लिए किसी वार्म प्लेस पे छोड़ देंगे। 10 मिनट्स के बाद आपको दिख रहा है ये कितने अच्छे से राइज हो चुका है। अब हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे, उसमें मैं 3 कप्स मैदा ऐड कर रही हूँ। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे के साथ इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही अच्छा आता है। अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आटे से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लिया है। अब पहले हम ईस्ट का जो मिक्सचर है उससे इसके डो को लगाना स्टार्ट करेंगे। 1.5 स्पून मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बार ऑयल को भी उस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमने जो उसका मिक्सचर बना के रखे हुए थे ड्राई ईस्ट का, वो वाला हम इसमें ऐड कर लेंगे। पहले हम आटे को मैदे को उसी डो से लगाएंगे, उसके बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम वाटर ऐड करेंगे। तो ग्रेजुअली वाटर ऐड करना है, एक साथ ही ना डाल दे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम उसका एक सॉफ्ट सा डो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं उसका सॉफ्ट डो तैयार कर रही हूँ। आपको रोटी से थोड़ा सा लूज साइड ही इसका डो बनाना होता है, रोटी की तरह इसका डो नहीं बनेगा। थोड़ा सा ये स्टिकी सा हो जाता है इस स्टेज पे, बट हमें 10 मिनट्स तक इसे कंटिन्यू नीड करना है। 10 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा बन जाता है डो। अगर आपको इसके डो को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए उसे 10 मिनट्स तक कंटिन्यू नीड करें। आपको दिख रहा होगा अब हमारा जो डो है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं दिख रहा, काफी सॉफ्ट सा हो चुका है। हमारा डो जो है ये बन करके तैयार है। आपको दिख रहा है मैंने कितना सॉफ्ट इस डो को बना करके तैयार किया, काफी सॉफ्ट डो बनना चाहिए इसका, तभी हमारा जो बेस होता है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और फ्लफी बन करके तैयार होता है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जिस भी बर्तन में आपको रखना हो, मैं उसे मिक्सिंग बोल में रख रही हूँ और वो साइज में बड़ा होना चाहिए मिक्सिंग बोल जिसमें भी आप इसे रखोगे। और हम अब उस डो के ऊपर अच्छे से एक बार ऑयल की कोटिंग कर देंगे और इस तरीके से एक उसका बॉल बना करके हम उस बर्तन में रख करके 1 आवर तक हम इसे छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद डो आपको दिख रहा है ये ट्रिपल साइज में हो जाता है। अब हम इसका एयर निकाल लेंगे इसे पंच करते हुए। देखो इस तरीके से कितना सॉफ्ट दिख रहा है ना, हमारा बहुत ही अच्छा डो बन करके हो गया है तैयार। आप इस एक सिंगल डो से कई तरीके की ब्रेड बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा रिंग। तो पिज्जा रिंग भी में आपकी चॉइस है कि आप कितने सारे उसमें वेजीज ऐड करना चाहते हो। मैं यहाँ पे स्वीट कॉर्न, पनीर, अनियन और कैप्सिकम के साथ बना रही हूँ। आप इसमें ऑलिव्स, मशरूम, बहुत सारी वेजीज है, आप जो चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी स्टफिंग आपको पसंद आती हो। मैंने एक फ्राइंग पैन हीट किया, उसमें 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल जरा सा हीट हो जाए उसके बाद हम एक के बाद एक सब्जियों को डाल के थोड़ा सा सॉटे करना है। हमें उसे कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसे सॉफ्ट करना है। उसे बिल्कुल भी उसकी क्रंची जो होती है वेजीज की वो हमें खत्म नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ऑयल में
अनियंस ऐड करूंगी। अनियंस को 1 to 2 seconds के लिए बस इस तरीके से हम उसे सॉफ्ट सा कर लेंगे। उसके बाद हम, आपको दिख रहा है मैंने बिल्कुल भी उसका कलर वगैरह चेंज होने नहीं दिया, वैसे ही इसको क्रंची रखना है हमें, बस सॉटे करना है हमें। अब मैंने थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया है। कैप्सिकम को भी हम इसी तरीके से 1-2 सेकंड के लिए मिक्स करते हुए उसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बहुत थोड़ा सा। तो उसकी जो रॉ स्मेल वगैरह होती है ना वेजीज की, बस हमें वही खत्म करना है, हमें कुक नहीं करना है। अब हम पनीर ऐड कर देंगे, कॉर्न ऐड कर लेंगे, बहुत सारी वेजीज होते हैं, आप बहुत सारी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मेरा फ्रोजन कॉर्न है तो मैं अभी और ऐड कर रही हूँ। कॉर्न हमेशा बॉईल करके ही यूज करें, या अगर आपके पास फ्रोजन है तो फ्रोजन भी यूज कर ले। तो इसे भी हम बस थोड़ा सा सॉटे करेंगे, और अब इसके बाद हम इसमें जो हमने पनीर को क्यूब्स करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। तो अपने पनीर को सबसे लास्ट में हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, नहीं तो पनीर हमारी काफी चुई हो जाएगी। पनीर डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम बंद करना है, बस कुछ स्पाइसेस डालने के तुरंत बाद। तो हमें पनीर को कुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमने थोड़ा सा इसे एक बार अच्छा सा मिक्स दे देंगे, और अब हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर ले। मैं यहाँ पे पिज्जा हर्ब डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, फुल टीस्पून जो होता है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, बट 1 टीस्पून इनफ है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेंगे, ये भी 1 टीस्पून आप डालें, और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इसे एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद। और बहुत ही हेल्दी बन जाता है ये बच्चों को, आप अगर बहुत सारी वेजीज खिलाना चाहते हैं ना तो इस तरीके से नई नई रेसिपीज ट्राई करते रहे, और बच्चों को इस तरीके से वेजीज खिलाएं, उन्हें पता भी नहीं चलता है, और खाने में भी टेस्टी हो जाता है और कुछ डिफरेंट भी हो जाता है। तो बस अब मैंने उसे एक अच्छा सा मिक्स दे देना है, ताकि वेजीज में सॉल्ट और जो भी स्पाइसेस हमने ऐड किया है वो अच्छे से कोट हो जाए, और हमने गैस का फ्लेम अब बंद कर देना है। आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत कलर आया है, येलो, वाइट, ग्रीन। आप इसमें कलरफुल कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी हो जाता है और खाने में भी बहुत डिलीशियस लगता है। आप इसे एज अ सैलेड भी खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने गैस का फ्लेम अब बंद कर दिया है, और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक देख लेते हैं हमारे डो की क्या कंडीशन है। तो हमारा डो रेडी है, जैसा मैं आपको बता चुकी थी कि हमारा डो 1 घंटे के बाद बहुत अच्छा से राइज हो जाता है। तो ये देखो कितना सॉफ्ट हमारा डो बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसे एक अच्छा बस स्मूथ कर लेंगे, इसे हमें नीड नहीं करना है इसे। तो बस मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा ड्राई मैदे को अपने हाथ में लगा करके और उसे बस तोड़ रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल अप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी, जितने बड़े आपको साइज का आपको रिंग बनाना है ना, पिज्जा रिंग, आप उस साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटा सा उसका डो बॉल तोड़ करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसके 4 पिज्जा रिंग्स बन करके तैयार हो जाते हैं। तो 4 इक्वल साइजेस में आप डिवाइड कर ले। अब एक रोलिंग पिन की हेल्प से आप उसे बेल ले, हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, उसे मोटा ही रखना है। तो मैं यहाँ पे उसे बेल रही हूँ, आप चाहे तो अपने किचन काउंटर पे भी इसे बेल सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है इस पे बेल करके। तो इसकी थिकनेस मैंने आपको दिखा दी, बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं करना है जैसा मैंने आपको कहा। अब हम उसके सेंटर से इस तरीके से पहले क्रॉस में कट लगाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके हम उस पे कट लगाएंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से उस पे कट लगा लूंगी, बहुत ही आसानी से कट जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है, तो थोड़ा सा ये डेलिकेट रहता है। हमने इस तरीके से अभी इसे काट लिया है। अब हम मेयोनीज, मैं यहाँ पे मेयोनीज अप्लाई कर रही हूँ, आप मेयोनीज अप्लाई कर ले, आप इसमें टोमेटो कैचअप डाल सकते हैं, आप पिज्जा पास्ता सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से आप इसे बना सकते हैं, बट मैं आपको सबसे सिंपल और बेसिक वाला बता रही हूँ। तो मैं इस पे मेयोनीज ऐड कर रही हूँ, आप थोड़ा सा टोमेटो कैचअप भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो इसकी स्टफिंग तैयार करके रखी हुई है वो हम उसके चारों साइड से इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इस स्टेज पे आप इसमें ऑलिव और जैलपिनो वगैरह भी ऐड कर दे, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ जाता है। तो अब हम इसे इसके ऊपर चीज ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज को किस के रखा हुआ था, घिस के रखा हुआ था ग्रेट करके, वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप स्लाइस
चीज भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मुझे करना क्या है, हमें क्या करना है कि हम डो को जो बाहर वाला पोर्शन है उसे ले जाते हुए और जो उसके कॉर्नर्स है उसे कुछ इस तरीके से सील करते जाएंगे। आपको दिख रहा है किस तरीके से मैं इसे सील कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत केयरफुल होकर के करें। और हम इसे थोड़े से हाथों की हेल्प से उसे डो गोल राउंड का शेप भी देते जाएंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है कुछ अपने हाथ दोनों हाथों की हेल्प से। बाहर वाले पोर्शन को थोड़ा सा अप करेंगे और इनसाइड में जो हमने कट लगाया है उसे उसके ऊपर ओवरलैप करते जाना है। बस इसी तरीके से हम इसके एजेस को सील करते जाएंगे। जब आप उसके एजेस को सील करें तो थोड़ा अच्छे से सील करें, नहीं तो बेक होते समय वो कभी कभी खुल जाते हैं, तो हमारा सारा चीज और उसकी स्टफिंग जो है वो बाहर आ जाती है। और थोड़ा थोड़ा हाथों से हम इसे राउंड करते जाएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कोई भी टफ नहीं है टास्क, बहुत ही इजीली हो जाता है और बहुत ही यमी और बहुत ही सुंदर लगता है ये खाने में। तो कुछ इस तरीके से मैंने उसे तैयार कर लिया। अब मैंने बेकिंग ट्रे पे उसे रख लिया है और ये मिल्क और इसमें शुगर का मिक्सचर मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एग खाते हैं तो इसमें एग वॉश भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मिल्क वॉश दे रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा इसके ऊपर ब्राउनिंग होगी, प्लस बहुत ही सॉफ्ट हमारा ब्रेड जो है उसका आउटर लेयर बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। मैंने अपने ओवन को 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके डाल रही हूँ। मैं 180 डिग्री पे ही इसे बेक करूंगी। 20 मिनट्स के लिए बेक कर रही हूँ, बट अब 15 मिनट्स के बाद इसे कंटिन्यूअस चेक करते रहें कि हमारा जो रिंग है वो प्रॉपर बेक हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा 20 मिनट्स में कम्प्लीटली रेडी हो गया था। आपको दिख रहा है कितना यम्मी हमारा बन करके तैयार हुआ है और कितना अच्छा हमारा ये सिक करके भी तैयार हुआ है। बहुत ही डिलीशियस होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को ज़रूर ये आप एक बार बना करके खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।